भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का खूबसूरत जिला सिवनी, जो सामान्यतः अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने सामाजिक सौहार्दता के कारण जाना जाता है। पिछले कुछ समय से महिलाओं पर होने वाली हिंसा से ये शांत जिला भी अछूता नहीं रहा है। 73% की साक्षरता दर रखने वाले सिवनी जिले की घनसौर विकास खंड में एक 4 साल की बच्ची के साथ हुई व्यभिचार की घटना देश भर की सुर्खियां बनी। बालिकाओं के साथ होने वाली इस अमानवीय कृत्य ने यहाँ देश भर को झंझोर दिया। वहीं जिले में इस घटना से यहाँ के नागरिकों में रोष व्याप्त हुआ। क्या नेता, क्या प्रशासनिक अधिकारी और क्या नागरिक, सभी लोग अपने अपने तरीके से सहायता के लिए आगे आए, किंतु काल के पंजे से बालिका को नहीं छुड़ा पाए। इस घटना से सबक लेते हुए जिले के पुलिस प्रशासन ने बच्चियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक अभिनव अभियान लाडली लक्ष्मी सुरक्षा अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से अभिभावकों एवं लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बेटियों को सशक्त करने हेतु उन्हें कराटे आदि से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, जो उनमें अपनी सुरक्षा स्वयं करने हेतु आत्मविश्वास का संचार कर रहा है। सिवनी जिला सांसद श्रीमती नीता पटेरिया, विधायिका श्रीमती शशि ठाकुर, जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रियंका दास, टीआई पुलिस स्पेशल सेल श्रीमती दुर्गेश नंदिनी और कलेक्टर श्री भरत यादव द्वारा समस्त पहलुओं पर व्यापक चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इन संपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। आज सिवनी जिले में जिला कार्यक्रम पद पर आसीन श्रीमती शशि उइके, जिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री एस के श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी धनुरा श्रीमती साधना पाठक एवं परियोजना अधिकारी धूमा श्रीमती उषा नेमा के अभूतपूर्व प्रयासों के योगदान की भी चहु और प्रशंसा हो रही है। इससे पूर्व हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बेटियों के महत्व को रेखांकित करती हुई कई सारी योजनाओं की सौगात प्रदेश के हर एक कोने तक पहुँचाई गयी है। बेटियों के जन्म अब तो उनके जन्म से पूर्व से लेकर उनकी वृद्धावस्था तक यानी कितनी योजनाओं का लाभ आज जिले की प्रत्येक बालिका एवं महिलाओं को दिया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सिवनी जिले में अभी तक लगभग 37,365 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें बालिकाओं के अभिभावकों को 5,000 रुपए प्रतिवर्ष NSC दी जा रही है। आइए प्रदेश शासन की इस कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना प्रदेश में महिलाओं के कल को बचाने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। घटते लिंगानुपात और महिलाओं की स्थितियों से सीधे आंख मिलाने का एक गंभीर प्रयास, ये स्त्री को समाज के केंद्र में रखने की फिर से हुई शुरुआत है। कन्याओं का भविष्य संवारने की लाडली लक्ष्मी योजना में सरकार बच्ची के नाम से क्रय किए गए डाकघर बचत पत्रों के माध्यम से भविष्य में उसे मिलने वाले लाभ सुनिश्चित करती है। इन बचत पत्रों से समय समय पर मिलने वाली राशि का उपयोग जहां बच्ची की शिक्षा के लिए होता है, वहीं वयस्क होने पर उसे मिलने वाली 1,18,000 रुपए की राशि का सदुपयोग उसके विवाह तथा रोजगार आदि कार्यों में हो सकेगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के मूल निवासी और 2 अथवा 1 संतान वाले माता पिता की कन्या को ही मिलेगा। हितग्राही कन्या के माता पिता को इस योजना का लाभ लेने के लिए 2 बच्चों के बाद परिवार नियोजन भी अपनाना जरूरी है। जिस लाडली बिटिया को इस योजना का लाभ दिलाया जाना है, उसका पंजीयन आंगनबाड़ी में कराया जाना भी जरूरी है। ऐसी बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है जो किसी अनाथालय में निवासरत हों। लिंगानुपात सुधारने, जनसंख्या नियंत्रण तथा बाल विवाह रोकने की दिशा में बच्चियों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना लागू की गई है। ये बेहतर बालिका शिक्षा तथा बालिका स्वास्थ्य की दिशा में उठा एक सार्थक कदम है। 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती हैं। बालिका द्वारा 5वीं कक्षा पास करने पर 2,000 रुपए, 8वीं कक्षा पास करने पर 4,000 रुपए और उसके द्वारा 10वीं कक्षा पास करने पर
उसे 7,500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के बाद आगामी 2 वर्षों तक उसे 200 रुपए प्रति माह शासन से प्राप्त होंगे। बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर तथा 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने पर उसे शेष 1 मुश्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन इस भुगतान के लिए शर्त ये भी होगी कि यदि उस कन्या का विवाह किया जा चुका है तो वो शासन द्वारा कन्या विवाह के लिए निर्धारित उम्र के बाद होना चाहिए। लक्ष्य साफ है, बच्चियां स्वस्थ रहें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। समाज में बेटियों के स्थान को सर्वोपरि मानते हुए बेटी बचाओ अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 5 अक्टूबर 2011 को कन्या पूजन से प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में सिवनी जिले के विभिन्न विकास खंडों में स्थानीय विधायकों एवं प्रभारी मंत्रियों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज की सभी बेटियों, विधवाओं, तलाकशुदा, बंद से शादी करने के लिए गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों को वित्तीय सहायता देने वाली इस अभूतपूर्व योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये खुशियों के आने की आवाजें हैं। जीवन में ऐसी खुशियों के दिन कभी कभार ही आते हैं। ये विवाह के दिन हैं। मध्य प्रदेश में आज दूर दूर तक अचानक ऐसे विवाहों की घटनाएं हो रही हैं, जो आम शादियों से कुछ अलग रंग रखती हैं। ये शादियां हो रही हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। 1 अप्रैल 2006 से शुरू हुई इस योजना में अब तक 70,000 से ज्यादा विवाह हो चुके हैं। ये एक ऐसी योजना है जो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के दिल के निकट है। मध्य प्रदेश में जितनी निर्धन कन्याएं होगी उनका विवाह करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। ये विवाह इसलिए खास है क्योंकि इनमें शामिल है शासन। प्रदेश में विकास को मिला ये मानवीय स्पर्श है। नारी शक्ति के सम्मान और गरिमा को ये सरकार की भेंट है। आर्थिक तंगी के कारण सयानी होती बेटियों के विवाह की चिंता में डूबे परिवारों को ये शासन का उपहार है। हर तबके के जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के कन्यादान में अब शामिल है सरकार भी। एक तरफ पंडित यहाँ वेद मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ काजी साहब निकाह पढ़वाने का काम भी कर रहे हैं। इस योजना में गरीब, जरूरतमंद, निशक्त परिवारों की विवाह योग्य कन्या या विधवा अथवा परित्यक्ता के विवाह के लिए 5,000 रुपयों की मदद शासन करता है। खुशियों के दिन हैं जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कारण इन विवाहों ने समाज में एक नई चेतना पैदा की है। सारा समाज ही इन शादियों में हिस्सेदार होता है। यही वजह है कि ऐसे ढेरों सामूहिक विवाह आयोजित हो रहे हैं। ऐसे विवाहों को आयोजित करने वाले व्यक्ति या संस्था को 1,000 रुपए प्रति कन्या के मान से मदद की जाती है। ये समाज की बुनियाद मजबूत करने की अद्भुत घटना है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक साथ 911 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार। इसमें आपसी संबंधों की पुरानी गर्माहट फिर जीवित हुई है, वो संबंध जब बेटियां सारे गांव की होती थी। आज ये योजना न केवल नई खुशियों के रंग लाई है बल्कि सौहार्द का नया माहौल भी बना रही है। एक तरफ विवाह के मंत्र है तो दूसरी तरफ काजी साहब की आवाज है। इन विवाहों की खुशियां दूर दूर तक पहुंची हैं। जनजातीय अंचलों में अपनी परंपराओं के रंग में डूबे लोगों के युवाओं के मन में भी खुशियों के रंग आ मिले हैं। हाथों में मेहंदी के रंगों में, श्रृंगार की चमक में खुशियों की जो रोशनी है वो संभव हुई है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से। प्रदेश में विकास की खुशियों के साथ एक और खुशी का मौका लेकर आई है ये योजना। महिला एवं बाल विकास विभाग सिवनी अन्य विभागों के सहयोग के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि उषा किरण योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, मर्यादा अभियान आदि का लाभ जिले के कोने कोने में हितग्राही महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चियों तक पहुंचा रहा है। इसी क्रम में आइए जानते हैं गाँव की बेटी योजना के बारे में। हर कदम बढ़ रहा है मध्य प्रदेश का उजियारे पथ पर।
उजाला जन जन के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सफलता का छोटे बड़े पुरुष महिलाओं और बच्चों के चेहरे पर नजर आने वाली मुस्कान का राज्य को सुनहरे कल की ओर ले जाने में सतत प्रयत्नशील है मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की आंखों में है इस प्रदेश को विकास की असीम ऊंचाइयों पर ले जाने का स्वप्न। ये स्वप्न अब साकार रूप लेता जा रहा है। सुखद परिवर्तन की आभा से रोशन हो उठी हैं भारत के हृदय प्रदेश की सभी दिशाएं। प्रगति की इसी कड़ी में एक और नया अध्याय जुड़ गया है गांव की बेटी योजना के माध्यम से। नारी जगत के सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री की पहल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गांव की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है गांव की बेटी योजना। अपने माँ बाप की दुलारी और लाडली बिटिया अब अपने भविष्य को और भी ज्यादा रोशन और भी उज्जवल बना सकने में सक्षम हो पाएगी। भारत में अगर कोई बेटी जब तक पढ़ेगी तब तक देंगे ताकि बड़ी क्लास की पढ़ाई विद्या गरीब विद्या भी मेरी कर पाए। संपूर्ण प्रदेश में लागू इस योजना का लाभ मिलेगा उन छात्राओं को जिनका ताल्लुक है ग्रामीण इलाकों से और 12वीं की परीक्षा गांव की पाठशाला से उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो। हर साल प्रत्येक गांव से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं का चयन किया जाएगा और उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्रा को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बात चयन प्रक्रिया की करें तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर बनाई गई समिति गाँव की पाठशालाओं से छात्राओं को गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र जारी करेगी। शासन की ओर से योजना के अंतर्गत 5,000 रूपए सालाना आर्थिक सहायता के तौर पर छात्रा को प्रदान किए जाएंगे। अब तक लगभग 12,000 से ज्यादा छात्राएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। एडमिशन के लिए पैसे हो गए, पुस्तक काफी खरीदने हो जाएंगे, आगे भी पैसे मिलते रहेंगे तो पढ़ाई अच्छे से होगी। गर्व कर रहे हैं बिटिया के माता पिता भी और कर रहे हैं सरकार की दिल से प्रशंसा। हमने जो अपने को मदद दी छात्रवृत्ति मिल गई तो इसमें हमको काफी राहत मिली है। गांव की प्रतिभाशाली छात्राएं अब नहीं रहेंगी वंचित उच्च शिक्षा से, बना पाएंगी एक बेहतर मुकाम और शासन के इन प्रयासों को सार्थक बनाकर आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगी हम भी किसी से कम नहीं क्योंकि हमारे साथ है गांव की बेटी योजना।